देहरादून में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में चुनावी मंथन। बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत बोले, बूथ स्तर पर किया जाएगा काम। हरिद्वार में कई युवकों ने थामा कांग्रेस का दामन। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए कई युवा, पार्टी को मजबूत करने का लिया संकल्प। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के किनारे दरका पहाड़। पहाड़ी दरकने से नेशनल हाईवे बाधित। वाहनों की लगी लंबी लंबी कतार। पुलिस और एसडीआरएफ मौके पर मौजूद। मलबा हटाने का काम जारी। रुड़की में पुलिस और ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों की नकली दवाइयां बरामद। 4.5 लाख की नकली ड्रग भी बरामद। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में कोरोना के 483 नए केस आए सामने। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या पहुंची 14,566। अब तक 195 लोगों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए उत्तराखंड के इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि देहरादून से बड़ी जानकारी है, जहां पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक और इसमें चुनाव पर मंथन किया गया है। बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी इसमें मौजूद रहे और बूथ स्तर पर काम किया जाएगा, ये बात प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कही गई है। महेश नेगी को लेकर के भी बैठक में चर्चा हुई है। इसके अलावा अन्य 4 विधायकों की भी बात रखी जाएगी, ये बात बंशीधर भगत की तरफ से कही गई है। तो बड़ी जानकारी है देहरादून से, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है। बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद मौजूद रहे। चर्चा विचार विमर्श इस बैठक के अंदर हुआ। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहे और इसके बाद बंशीधर भगत की तरफ से यह भी कहा गया कि बूथ स्तर तक जो काम है वो किया जाएगा, कार्यकर्ताओं को और जोड़ा जाएगा। महेश नेगी को लेकर के भी इस बैठक के अंदर चर्चा हुई। इसके अलावा अन्य 4 विधायकों को लेकर के भी चर्चा इस बैठक के अंदर देखने को मिली है। तो बड़ी जानकारी है, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में मंथन हुआ है। बैठक के अंदर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहे और यहां पर बंशीधर भगत की तरफ से यह बताया गया कि बूथ स्तर पर काम किया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बैठक खत्म होने के बाद क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की योजना रचना की बैठक थी। कहाँ क्या हो रहा है इस पर पूरी चर्चा हुई। जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ, मैंने क्या क्या किया है, कोविड में हम सब ने क्या क्या किया है, कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है, कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ाया जाए, इस पर सब चर्चा हुई है और बहुत ही अच्छी सकारात्मक चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हमसे जो संभव होगा वो करेंगे। एक बड़ी मोटी बात तय हुई है कि हर जिले में 5 लोग जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनेगी जो वहाँ के अधिकारियों से वहाँ के कार्यकर्ताओं की बात करेगी और उसमें जिस विधायक के क्षेत्र का मामला होगा वो विधायक प्राथमिकता से उसमें रखा जाएगा, उसकी राय लेकर ही वो काम होगा, ताकि कार्यकर्ता की जो शिकायत रहती है, साहब दरोगा मेरी नहीं सुन रहा, SP मेरी नहीं सुन रहा, DM मेरी नहीं सुन रहा, ये शिकायत दूर हो सके। तो इसके लिए बहुत प्राथमिकता से आज बात हुई है। 2-3 मामले विधायकों के जो थे उन पर चर्चा हुई है, उन पर आज हम बात करेंगे। विधायकों को हमने बुलाया है तो उनके गुण दोष के आधार पर उनसे बात की जाएगी। एक महेश नेगी का मामला है जो कानूनी दायरे में है, उस पर अभी हमने कोई विशेष बात नहीं करनी है, लेकिन उनको हमने सख्त हिदायत देनी है कि वो कानून के दायरे में जो भी उनसे पूछा जाए उसको बताएं और कानून की मदद करें। वहीं केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कोर ग्रुप की बैठक समय समय पर होती रहती है और हम देश की शिक्षा में नई क्रांति ला रहे हैं, नई शिक्षा नीति से सुधार होगा। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं पहले तो नई शिक्षा नीति जो भारत की 2020 आई है उसकी आपको सबको बधाई देना चाहता हूँ। ये जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है ये गांव से और ग्लोबल तक होगी। ये टोटली नए आयामों के साथ आई है
पूरा देश में खुशी है। ये पहली ऐसी नीति होगी जिसमें 99% पूरा देश एकजुट है और इसको हम लोग तेज़ी से लागू भी करेंगे। जिस बैठक की आप बात कर रहे हैं, हम लोग सामान्यतः बैठते रहते हैं प्रदेश वाइज। ये प्रदेश की ये टीम है और कोर टीम की बैठक हम लोग ये हमेशा बैठते रहते हैं मेरे। और चलिए बातचीत करते हैं, सुभाष गौड़ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। सुभाष, आपके पास क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर के भी, इसके अलावा जो बात रमेश पोखरियाल निशंक की तरफ से कही गई? और देखा जा रहा था कि शुरुआत के दौर से अब जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बंशीधर भगत, उनके अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ये बैठक यहाँ देहरादून में आयोजित की गई। हालांकि कोविड के चलते इस बैठक को लगातार कई बार स्थगित भी किया गया था, लेकिन क्योंकि कोर कमेटी की एक अहम बैठक होती है भाजपा की और इसे रूटीन के साथ किया भी जाता है, ऐसे में इसमें कहीं ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, ऐसी बातें सोची जाती है जो पार्टी और सरकार से जुड़ी हुई होती है। और लगातार ये देखा जा रहा है कि पिछले लंबे समय से भाजपा के कई विधायक हों, मंत्री हों, फिर ये कहा जा सकता है कि वो लगातार सरकार से नाराज थे, मुख्यमंत्री से कई बार अपनी बात भी कह चुके हैं कि कई अधिकारी उनकी नहीं सुनते और लगातार अधिकारियों के खिलाफ वो कार्रवाई करने की बात भी कह चुके हैं। तो कहा जा सकता है काफी अहम बैठक थी और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा भी की गई। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये था कि इसमें 5 सूत्रीय एक कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी के जरिए अब जिस भी विधानसभा क्षेत्र की बात हो उसमें विधायक जो है वो उसका अधिकारी होगा और लगातार उनके जो कार्यकर्ता है या फिर जो उनके लोग हैं उनकी बातें चाहे अधिकारी ना सुनते हो, पुलिस वाले ना सुनते हो या फिर डीएम प्रशासन ना सुनता हो, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण ये बैठक की गई थी कि एक 5 कमेटी टीम इसमें बनाई जाएगी जो कि इस पर काम करेगी। साथ ही बड़ी चीज है कि लगातार ये देखा जा रहा है कि महेश मोदी जो कि भाजपा के विधायक है उसमें एक महिला ने आरोप लगाया है कि उनका उत्पीड़न उन्होंने किया, तो लगातार महेश मोदी पुलिस की कार्रवाई से बचते हुए नजर आए थे और देखा जा रहा था कि जो DIG अरुण मोहन जोशी है उनके खिलाफ उन्होंने जो उत्तराखंड के DGP उनको एक पत्र भी लिखा था कि वो उनके साथ बेहतर व्यवहार नहीं कर रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि आज जिस तरीके से बैठक हुई उसमें भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका कहना है कि उन्होंने विधायक से अपील की है कि जो पुलिस की कार्रवाई है उसमें उनका समर्थन दे और जो भी वो जानकारी पुलिस वाले उनसे लेते हैं उसका सही समय पे उनको जानकारी दी जाए। यानी कि बिल्कुल, लेकिन सुभाष सिर्फ महेश नेगी नहीं बल्कि 3 अन्य और विधायक हैं जिनको भी पार्टी ने तलब किया था, क्या उनको लेकर के भी इस बैठक के अंदर चर्चा हुई है? ये बिल्कुल, लगातार 3 अन्य विधायक थे जिसमें वो उनसंग प्रत्याल थे जो लगातार ये देखा जा रहा था कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी और कई बार पत्र लिखते हुए भी नजर आ रहे थे, उनको भी तलब इस बैठक में किया गया था और ये कहा गया था कि 24 तारीख तक वो अपनी जो बातें हैं वो संगठन के सामने रखेंगे। इसके साथ ही अगर जबरेड़ा विधायक की बात करें तो जबरेड़ा विधायक देशराज खंडवाल लगातार अपने बयानबाजियों के चलते सुर्खियों में रहते हैं, उनसे भी कहा गया था कि आखिरकार इस तरह की बयानबाजी कब तक रुकेगी और उनसे भी जवाब तलब किया गया था। इसके अलावा जो विधायक थे, हालांकि वो भाजपा के विधायक थे, निष्कासित किया गया उन्हें, जो कुमार चैंपियन है लगातार उनको पार्टी में लाने के लिए आई कमान ने दोबारा से निर्देश दिए, तो कहा जा सकता है सूत्रों का ये भी कहना है कि जल्दी उनको पार्टी में ज्वाइन कराया जा सकता है, इसलिए उनको भी तलब किया गया था कि अभी तक जो रिपोर्ट उनसे मांगी थी संगठन के द्वारा उनको जल्द से जल्द उस संगठन को सौंपे और बताएं कि आखिरकार इस तरीके की जो मीडिया के सामने उनके बयानबाजी आती है वो आखिरकार क्यों आती है और इसको लेकर उसके बाद संगठन बड़े फैसले ले सकता है। जी शुक्रिया सुभाष, फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण बैठक थी, आपको बता दें प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बंशीधर भगत की तरफ से इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक के अंदर जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो भी लिए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये कि जिला स्तर तक 5 लोगों की एक जो टीम है वो बनाई जाएगी और जो कि ये सुनिश्चित करेगी कि वहां के जो कार्यकर्ता है उनकी बात को स्थानीय प्रशासन सुने। और इसके अलावा जो 4 विधायक जो कि इस समय सबसे ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं उन सबको भी तलब किया गया था, उनको भी अपना अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया और इस पर भी जो फैसला है वो इस बैठक के अंदर लिया गया है और आगे इस पर क्या कुछ देखने को मिलता है उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बैठक जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद मौजूद रहे। उस बैठक के बाद क्या कुछ हुआ, महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई और साथ ही साथ जो फैसले लिए गए कार्यकर्ताओं को लेकर के, कार्यकर्ता स्तर तक कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत बनाएगी, इन फैसलों की जानकारी भी बंशीधर भगत की तरफ से दी गई।
तो उत्तराखंड बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के नेतृत्व में पहली उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। इसमें कई अहम निर्णय लिए गए, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा कि बैठक का मुख्य एजेंडा योजना और रचना का विस्तार कैसे करना है, इस विषय पर मंथन हुआ। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए भी कई अहम निर्णय इस बैठक में लिए गए। साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि हर जनपद स्तर पर पार्टी के सदस्यता कमेटी का गठन होगा, इसकी अध्यक्षता पार्टी के जिलाध्यक्ष करेंगे और कमेटी के द्वारा जनपद स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने का काम भी होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि बैठक में मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा हुई, इसमें अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को लेने के लिए कहा गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि सीएम इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्री से वार्ता करेंगे और उसके बाद ही इस विषय पर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नहीं है, सरकार पहले भी तैयार थी, अब भी तैयार है, लेकिन कुछ परिस्थितियां बीच में बन गई थी ऐसी। अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जरा एक बार हम अपने गृह मंत्री जी से बातचीत कर लें, अमित शाह जी से। लोग बीमार हो गए थे, घर आए, अभी क्वारंटाइन थे, लेकिन फिर अस्वस्थ होने के कारण चले गए। उनके ठीक होने के पश्चात उनसे बातचीत करके फिर मुख्यमंत्री जी का मन है कि कोई बात तो 2022 के चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में सदस्यता दिलाने का कार्य चरम पर है और इसी क्रम में हरिद्वार में करीब 4 दर्जन से ज्यादा युवकों ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। राधाकृष्ण धाम में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी और प्रदेश प्रवक्ता मनीष कर्णवाल ने पार्टी में आए युवाओं को कांग्रेस की सदस्यता भी दिलाई। कांग्रेस में शामिल युवाओं का फूल माला पहनाकर स्वागत हुआ और पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने यह भी कहा कि जनता भाजपा के राज से त्रस्त हो चुकी है और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। जनता ये समझ चुकी है कि प्रदेश का विकास केवल कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। बीजेपी सरकार से परेशान होकर लोग कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं और इन युवकों के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी और मजबूत होगी और 2022 में प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। तो रुड़की की गंग नहर कोतवाली पुलिस और ड्रग विभाग की टीम ने एक दवा फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें अवैध रूप से चल रही नामी कंपनियों की करोड़ों रुपए की नकली दवाइयां और 4.5 लाख की नकली ड्रग को विभाग ने बरामद किया है। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने यह खुलासा करते हुए बताया है कि यह कंपनी पिछले लंबे समय से नामी कंपनियों के नाम से नकली दवाइयां तैयार करके बेच रही थी। देर रात तक चली कार्रवाई में पकड़े गए 2 अभियुक्त सरधना मेरठ के निवासी हैं, जो कि उत्तराखंड के रुड़की में रहकर दवाई को तैयार कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई कंपनी में जिफी और टोरंटो कंपनी के नाम से तैयार की जा रही थी। गंगनहर कोतवाली पुलिस ने गंभीर धाराओं में इस पर केस दर्ज किया है। इसके अलावा औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के तहत भी इसमें जो धाराएं हैं वो लगाई गई हैं। पुलिस के मुताबिक 1.5 करोड़ की दवाइयां कंपनी ने बरामद कर ली हैं, जो नामी कंपनी के नाम से बाजार में सेल की जा रही थी। इंस्पेक्टर गंगनहर को प्राप्त हुई कि परवीन त्यागी, जो सरधना मेरठ का रहने वाला है, उसके द्वारा सालापुर सालियर गंगनहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है और वहां पर देश के विभिन्न हिस्सों की प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रोडक्ट्स, नकली दवाइयां बनाई जा रही हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी की जा रही है और उनकी नकली पैकेजिंग से लेकर सब कुछ किया जा रहा है। इस सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर को साथ लेकर उनका स्थान के तलाशी ली गई तो मौके से परवीन त्यागी और कपिल त्यागी, जो उसका साथी है, ये दोनों सरधना मेरठ के रहने वाले हैं, के द्वारा वीआर फार्मा के नाम से एक फैक्ट्री का संचालन करना पाया गया और वहां से विभिन्न देश की विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के नकली दवाइयों के बरामद हुए, जिनकी कीमत लगभग 1.5। तो काशीपुर नगर निगम में 60 करोड़ की लागत से आगामी दिनों में तैयार होने वाले कॉम्प्लेक्स का कांग्रेस के द्वारा व्यापारियों को पैम्पलेट बांटने के साथ ही जागरूक करके विरोध किया गया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सागर के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसियों ने बाजपुर रोड स्थित प्रिया मॉल में व्यापारियों को पैम्पलेट्स के जरिए जागरूक किया है। इस मौके पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा कि काशीपुर विधायक और मेयर के द्वारा काशीपुर के व्यापारियों को जिस तरह से उनका शोषण किया जा रहा है, उसका हम खुलकर और पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने
काशीपुर में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव बताया और कई ऐसे काम हैं जो कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी जस के तस पड़े हुए हैं। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे काशीपुर की जनता और काशीपुर का व्यापारी समुदाय आज पूरी तरीके से परेशान है। सही मायने में कहूँ तो इस सरकार के द्वारा, विधायक जी द्वारा, मेयर द्वारा जो जनता का और व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है उसका हम सब लोग खुल के विरोध कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े शोरूम ये आज वर्किंग डे के दिन भी बंद पड़े हुए हैं। ये पूरी की पूरी लाइन 3 साल से खत्म हो चुकी है, कारोबार यहाँ पे समाप्त हो चुका है। फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 3 साल से चल रहा है, जो 19 साल में पहला विकास कार्य विधायक जी द्वारा कराया गया वो भी 3 साल से अधूरा है। वहीं ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के किनारे एक पहाड़ दरक गया और पहाड़ी दरकने से नेशनल हाईवे एक बार फिर से बाधित हो गया। व्यासी के पास नेशनल हाईवे बाधित है, वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। पुलिस और एसडीआरएफ मौके पर पहुंची और ऑल वेदर रोड कटिंग के चलते सड़क पर जो मलबा है वो गिरा है। तो तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की ये तस्वीर है और जहाँ पर ऑल वेदर रोड का भी काम चल रहा है और इस दौरान पहाड़ी की कटिंग करने के दौरान ये जो मलबा है भारी संख्या में सड़क पर गिर गया और इस वजह से अब ये जो मार्ग है बाधित है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है, सड़क को खोलने का प्रयास भी किया जा रहा है लेकिन इस दौरान वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। तो खबर काशीपुर से है जहां पे अनाज मंडी में चोरी का खुलासा हुआ है और लाखों की सरसों की खेप यहां से बरामद की गई है। पुलिस ने 2 लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया है और 24 घंटे में ही पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया है। तो खबर चमोली से है जहां पे सड़क पर मलबा गिरा है और मलबा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद है। बद्रीनाथ हाईवे के पीपलकोटी के पास ये मलबा गिरा है, नेशनल हाईवे खोलने का काम शुरू हुआ है और हाईवे बंद होने की वजह से यहां पर भी यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खबर पौड़ी से है जहां पे एक कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी और स्कूटी और कार गहरी खाई में इसके बाद गिर गए। स्कूटी सवार राजस्व उप निरीक्षक अतुल बलोदी इसमें घायल हो गए, कार में सवार 2 लोग भी इसमें घायल हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पौड़ी कोटद्वार नेशनल हाईवे 534 पर यह हादसा हुआ है। वहीं मसूरी में गहरी खाई में कार गिर गई और इस हादसे में कार सवार 5 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हाथीपाव मार्ग पर नाग मंदिर के पास यह हादसा हुआ है। तो नैनीताल में तल्लीताल में चिड़ियाघर के समीप बने घर में एक गुलदार घुसकर पालतू जानवरों को अपना शिकार लगातार बना रहा है। कुछ दिन पहले गुलदार घर में घुसकर पालतू कुत्ते को उठा ले गया और अब बिल्ली को भी उसने अपना शिकार बनाया है। अचानक बिल्ली के चिल्लाने की आवाज आई तो घर में बैठे लोगों ने सीसीटीवी में देखा कि गुलदार घर की छत पर बैठा है। इसके बाद लोगों ने शोर मचाया तो गुलदार वहां से भाग निकला। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि गुलदार कई दिनों से लगातार यहां पर दस्तक दे रहा है और ये एक ही है या कई हैं इसका पता भी नहीं चल सका है लेकिन पूरा परिवार फिलहाल डर के साए में जी रहा है। तो पौड़ी की शिवानी गोसाई ने महज 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में अपने हैरतअंगेज कारनामे से देश ही नहीं दुनिया को भी अचंभित कर दिया है। आज वो देश के युवाओं के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स की आइकन है। जिद और जज्बा ऐसा कि उसने पहाड़ के हर कोने की खाक को छान दिया है। हौसले इतने बुलंद हैं कि आपदा के बाद भी सुरक्षित केदारनाथ यात्रा का संदेश देने के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी वो केदारनाथ धाम जा पहुंचे। अपनी माटी से इतना प्यार कि पहाड़ों का भ्रमण करने के वो लोग को पहाड़ आने का न्योता भी देती रहती हैं। महज 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में वो विश्व की सबसे कम उम्र की पैराग्लाइडर बनना शिवानी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। पौड़ी से 10 किलोमीटर दूर कंडारा हिल में उड़ान भरकर शिवानी ने सबसे कम उम्र में यह इतिहास रचकर पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया है। शिवानी की उपलब्धि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। शिवानी का दूसरा नाम रिकॉर्ड प्रथम नेशनल उत्कृष्ट बाल पुरस्कार है जो कि 2004 में विज्ञान भवन में उनको दिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसमें वो खुद अपने हाथ से प्रधानमंत्री आवास पे मौजूद मोरों को खाना खिला रहे हैं। वीडियो में मोर पीएम मोदी के हाथ से दाना चुगते हुए भी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने आवास पर जब भी सुबह की सैर करते हैं तो उस दौरान कई मोर उनके आसपास घूमते हुए भी नजर आते हैं और उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मोरों का वीडियो ये बनाया गया है। और अब बात कोरोना की करेंगे। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 483 नए केस आए हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या प्रदेश में 14,566 हो गई है। कोरोना से अब तक 195 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 4,296 है। तो कोरोना का आंकड़ा उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा है। कोरोना का कहर उत्तराखंड में लगातार जारी है और आंकड़ा बेहद तेजी के साथ बढ़ रहा है क्योंकि पिछले 24 घंटे में ही कोरोना के 483 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या 14,566 हो गई है और कोरोना से अब तक 195 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या भी 4,296 हो चुकी है और आंकड़ा 14,000 को क्रॉस कर गया है। बड़ी और अहम जानकारी। तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 483 नए केस आए हैं और कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि संख्या 14,566 हो गया है और कोरोना से अब तक 195 लोगों की मौत की भी जानकारी है और आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ रहा है क्योंकि एक्टिव केस भी 4,296 हैं। 14,000 से ज़्यादा केस पूरे प्रदेश के अंदर हो चुके हैं कोरोना के और पिछले 24 घंटे में भी आंकड़ा लगातार और तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि 483 नए केस पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। तो बेहद अहम जानकारी है। कोरोना अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में आंकड़ा 14,566 तक पहुंच गया है। 195 लोगों की मौत कोरोना के चलते हो चुकी है। प्रदेश के अंदर 4,296 एक्टिव मरीजों की संख्या है और आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना का कहर उत्तराखंड में लगातार जारी है। 24 घंटे में 483 नए मामले सामने आए हैं। उधर देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों समस्त जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की और इस बैठक में कोविड-19 डेंगू और आपदा की समीक्षा की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अस्पतालों में आवश्यक संसाधन बढ़ाए जाने, इसमें टेस्टिंग और अधिक बढ़ाने, दूरस्थ क्षेत्रों में टेस्टिंग लैब में सैंपल भेजने के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा लेने के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना योद्धाओं के लिए बनाए गए चिकित्सा सेतु मोबाइल ऐप का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री ने डेंगू से बचाव एवं आपदा राहत कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। तो उत्तराखंड बीजेपी में इन दिनों शारीरिक शोषण के आरोप में घिरे विधायक महेश नेगी के मामले को लेकर के हलचल मची हुई है और बीजेपी भी पूरे मामले का आंकलन कर रही है। इसी को देखते हुए बीजेपी ने अब एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। हालांकि एक्शन केवल महेश नेगी पर ही नहीं बल्कि उनके बहाने 3 और विधायकों से भी अब जवाब तलब किया गया है। बीजेपी ने शारीरिक शोषण के आरोप में घिरे विधायक महेश नेगी, विधायक देशराज कर्णवाल, विधायक पूर्णचंद फरत्याल और निष्कासित विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को नोटिस दिया है। इन चारों को ही 24 अगस्त को कार्यालय में तलब किया गया है। महेश नेगी से पार्टी महिला की ओर से लगाए गए शारीरिक शोषण के मामले में उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। तो राज्य की सुर्खियों में शुमार। द्वाराहाट बीजेपी विधायक महेश नेगी यौन शोषण के और ब्लैकमेल के मामले में एक और नया मोड़ सामने आया है। मामले में आरोपित महिला के पति को पुलिस ने शामली से देहरादून बयान के लिए बुलाया लेकिन आरोपित महिला के पति ने पुलिस को फोन करके ये सूचना दी कि उसका किसी भी तरह का कोई लेना देना इस महिला के साथ नहीं है, ना ही उसका कोई संबंध इस महिला के साथ है। वो देहरादून आने में भी इसलिए सक्षम नहीं है क्योंकि वहां उसकी जान को खतरा हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने विधायक पत्नी से व्हाट्सएप की सभी डिटेल्स ली हैं। इसमें आरोपित महिला और विधायक पत्नी के बीच पैसों के लेन देन की बातचीत भी आई है। इस मामले में पुलिस का यह भी कहना है कि दोनों पक्षों से बात हो रही है और देखना यह है कि कब तक ये मामला अपने निष्कर्ष पर पहुंचता है। वहीं इस पर डीआईजी अरुण मोहन जोशी का यह कहना है कि मामले में जांच अधिकारी के साथ
एक महिला सब इंस्पेक्टर को भी जांच में शामिल किया गया। तो बीजेपी विधायक महेश नेगी पर लगे महिला से छेड़छाड़ के मामले को लेकर के कांग्रेस ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में राज्य सरकार का पुतला फूंका और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच की जाए और अगर आरोप सही साबित होते हैं तो विधायक की विधायकी को भी निरस्त किया जाना चाहिए। तो हरिद्वार और काशीपुर की दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा महेश नेगी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया और यह भी कहा गया कि इस मामले की जांच हो और अगर जांच सही पाई जाती है तो फिर विधायकी भी निरस्त की जानी चाहिए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। उसके पास एक बंदूक थी और वो सटी। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे, जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join number one ranked institute NIET Greater Noida. Get future ready. सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadley.com, alcoplus@picadley.com। संवेदना, सेवा और सहायता का भाव जन जन के प्रति माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का समर्पण दर्शाता है। गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से रिकॉर्ड आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। दुर्घटना, अग्निकांड सहित अन्य प्रभावित जरूरतमंदों को भी बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता मिली है। कैंसर की बीमारी किसी को न हो, इससे हम लोग बहुत डर लगता है, नाम सुनने पे ही डर लगने लगता है कि कहाँ से इलाज होगा, कहाँ से इतना पैसा आए। लेकिन हम लोगों को योगी जी ने बहुत सहारा दिया, बहुत मदद दिया, हम लोग का दवा इलाज गरीबों का हो रहा है। कोविड-19 के दौरान मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष कोविड केयर फंड की स्थापना की गई। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया गया। महामारी की रोकथाम हेतु प्राथमिकता पर चिकित्सा उपकरण खरीदे गए। कठिन परिस्थितियों में विवेकाधीन कोष से हुई मदद ने उम्मीद जगाई है। जन जन को मिला सरकार का साथ। उसके पास एक बंदूक थी और वो सटी। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे, जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी वसा यस्ती मधु पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। मैं पानी,
बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सुप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।